नमस्कार दोस्तों, मैं पुण्य प्रताप सेन लेकर आया हूँ आज क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्यूशन सहित देखेंगे। हाँ दोस्तों, तो आप अपनी पेन डायरी साथ में लेकर ही बैठें ताकि हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेखन क्षमता के साथ ग्रहण कर सकें। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों देखें 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरण को युग्मों को रैखिक युग्म में बदलकर हल करना है। मतलब कि रैखिक युग्म का मतलब होता है जिसकी घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये पहला समीकरण दिया गया है 1/2x + 1/2y 3y बराबर 2, और एक दिया है 1/3x + 1/2y बराबर 13/6। तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तब उपयुक्त समीकरण से, मतलब जो ऊपर समीकरण दिए गए हैं इनसे, 1/x वो 1/2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 1/x के स्थान पर हमने a रख लिया और 1/y के स्थान पर हमने b रख लिया और 1/3 से ज्यों का त्यों बराबर में 2 है। इन दोनों का हम लासा लेंगे दोस्तों तो ये 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 आएगा तो यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा, तो 3 a हो जाएगा, और 3 का भाग इसमें 6 में देंगे तो हमें 2 मिलेगा। 2 मिलेगा तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। मतलब कि सीधे सीधे त्रिकोणा भी कर सकते हैं, 3 का 1 से और 2 का 1 से, और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा, इक्वल में 2 है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करा देंगे, मतलब कि गुणा करा देंगे, तो हमारा जो रैखिक समीकरण प्राप्त होगा 3a + 2b = 12। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे समीकरण में होगी बात लागू, 1/3 a हो जाएगा और प्लस 1/2 b हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/x बराबर a माना है, 1/y बराबर b माना है, बराबर 13/6 दिया है। इसके बाद वैसे हम 6 लासा ले लेंगे, 3 × 6 लासा आ जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, 3 गुणा और 3 का गुणा 1 से, तो यहाँ पर 2a + 3 भी मिल जाएगा, 1/6, इक्वल में 13/6 है ही है। 6 से 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, यदि बराबर में दिया है, एक सी संख्या दी है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा जो है 2a + 3b = 13। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। पिछले अभ्यासों में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी दोस्तों, तो विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब हमें किसी एक पद को विलोप करना होता है, इसलिए हम इन इक्वेशन की जो फर्स्ट डिजिट होती है, कोशेंट होता है, उनका हम गुणा करा देते हैं। यहाँ a का फर्स्ट डिजिट 2 है, इसलिए 2 से गुणा करा देंगे, और यहाँ 3 है तो दूसरे इक्वेशन में हम 3 से गुणा कर देंगे। 2 का होगा 3 से, तो 2 × 6 और 2 × 4 भी, और बराबर 12 × 24। इस प्रकार से 3 × 6 और 3 × 9 भी और 13 × 39, इस प्रकार से हमें ये न्यू समीकरण प्राप्त होंगे। यहाँ पे हम चिन्ह बदल लेते हैं, क्योंकि हमें विलोप मतलब काटना है, इसलिए चिन्ह बदल लेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। 6a से 6a कैंसिल हो जाएगा, 4b से 9b जाएगा तो माइनस का 5b बचेगा, और 24 से 39 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5b बराबर 15। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमें b बराबर 15/5 मिलेगा, तो 5 × 3 = 15, इसलिए b का मान हमें 3 मिल जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों b का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारा 3a + 2b = 12 है, तो 3a + b के स्थान पर हमने 3 रख दिया = 12, 3a + 6 = 12, तो 3a = 6 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, तो a = 3a = 6। इस प्रकार से a का 3/ में चला जाएगा, तो 3 × 6 a का मान हमें 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है ना, 2, और b की वैल्यू हुई हमें 3, और हमने माना था a बराबर 1/x = a, तो a के स्थान पर हमने 2 रख लिया, इसलिए हमें x = 1/2 मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। b = 3, 1/y = हमने 3 माना था, इसलिए हमें y = 1/3। इस प्रकार से हमें x और y के मान दोस्तों क्या प्राप्त हुए, 1/2 और y = 1/3।
दोस्तों ये था 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।